नमस्ते, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी फेस्टिव सीजन. आई नो यू ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फेस्टिवल्स एंड जो भी त्यौहार आने वाले हैं. तो अभी आएगा, अभी चल रहा है नवरात्रे एंड देन करवा चौथ एंड उसके बाद दिवाली वगैरह, तो सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आ रहा है तो ये मेरा नवरात्रि लुक है एंड अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह हटा दी है. सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप यू नो मेरे चैनल पे देख सकते हैं. तो आई थिंक फेस्टिव लुक और मेकअप सीरीज समथिंग में मैंने वो डाला होगा. मैंने डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको पसंद आए वो आप देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो. सो मैंने सोचा कि दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि मैं इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि अभी यू नो जैसे कि मैंने पहले बताया फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो बहुत लोगों को शॉपिंग करनी होती है मेकअप से रिलेटेड एंड ज्वेलरी ये सब कुछ. तो मैंने सीरीज तो बनाई हुई है, बट अभी ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इसमें मैं आपको यू नो फाइव परफेक्ट फाउंडेशन एंड लिपस्टिक्स एंड ब्लशेज हाईलाइट. सो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. तो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा फाउंडेशन, क्योंकि वो हमारा बेस मेकअप होता है. तो मैं चाह रही थी कि यू नो फाउंडेशन को मैं सबसे पहले दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए और कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, बजट में है, मार्केट में कौन सा अच्छा है और आपकी स्किन पे यू नो किस टाइप से वो वर्क करेगा. सो टुडे आई हैव फाइव फाउंडेशन विद मी एंड वो सारे आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हैं. तो ये सारे फाउंडेशन वो मैंने अपने कलेक्ट करके रखे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और इसमें मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है जो यू नो बजट में भी आ जाएंगे. एट द सेम टाइम दे आर अमेजिंग, मतलब वो बिल्कुल हाई एंड ब्रांड को टक्कर देते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाउंडेशन विच इज सभी का फेवरेट है, जो कि अफोर्डेबल में भी आता है. सो दिस इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है 128 आइवरी, जो कि थोड़ा सा पहले लाइट होता है, उसके बाद आपकी स्किन में यू नो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो वो आपकी स्किन में अच्छी तरह से यू नो मतलब मिक्सअप हो जाता है. तो उसके बाद काफी अच्छा लगता है जब आप फुल मेकअप करें. तो ये रिटेल करता है 500 समथिंग का, ये रिटेल करता है और आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. एंड जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो भी मीडियम टू हाई कवरेज है, मतलब आपको इसको बिल्ड करना होगा और ये काफी अच्छी फिनिश देता है एंड बहुत सारे इसको लोग लेते हैं. और इसमें आपको यू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड्स मिल जाएंगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग. सो आप चेक कर सकते हैं. आई रियली लव 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 दिस प्रोडक्ट. ये तो मतलब होली ग्रेल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये उस टाइप का प्रोडक्ट है. सो दिस इज द फर्स्ट वन. तो इसमें आपको कुछ ऐसा पंप टाइप का मिल जाएगा, ये थोड़ा सा मेसी और है फिर भी. Then the next foundation is this. This is from the brand Sugar and this is Drop the Base Serum Foundation. So मेरा shade है 27 Vienna. So ये ना थोड़ा सा high end price पे है. आई मीन ये रिटेल करता है 950 रुपीज, लेकिन आपको इसमें फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा. मैंने भी उसी से लिया तो मुझे 400 के आसपास ही मुझे मिल गया था. सो इसमें ये काफी अच्छा फाउंडेशन है विंटर के लिए. तो अभी विंटर्स आने वाली हैं, तो उस टाइम पे यू नो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है. आपको यू नो ग्लोई एंड ल्यूमिनस टाइप का यू नो फील देता है और ये लुक प्रोवाइड करता है, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये. विंटर्स में ना आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, थोड़ा सा पैचेस यू नो पैचेस वगैरह बनने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये फाउंडेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा सेविंग टाइप का हो जाता है. मतलब ये आपको बहुत ज्यादा सेव करता है अगर आप यू नो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया और काफी अच्छा भी. और शुगर इज अ ब्रांड जो कि काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, और आजकल शुगर के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. बट दिस इज द फाउंडेशन जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और आई थिंक यू नो विंटर्स में मैं इसको दोबारा से रीपर्चेज करने वाली हूँ इसका शेड. So
So then the next foundation is this. This is from the brand Lakme. ये Lakme का 9 to 5 primer plus matte perfect cover foundation है और ये retail करता है 475 rupees का. So इसमें मेरा shade है W120 warm cream और इसमें भी आपको अच्छा खासा discount मिल जाएगा. तो आप discount के you know time पे और I think अभी sale वगैरह चल रही होगी तो आप अभी इसको you know purchase कर सकते हैं. तो ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है एंड यू ऑल नो ऑनलाइन परचेज करने में कितना ज्यादा डिफिकल्टी होता है. तो ये मेरी शेड थोड़ा सा अप है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसका ना कोई दूसरा शेड भी लूँ एंड वो मैं यू नो स्टोर से लेना चाह रही हूँ सो दैट यू नो परफेक्ट मैच मुझे मिल सके. बट नॉनदरलेस दिस फाउंडेशन इज रियली 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 गुड एंड ये आपको बहुत ही ज्यादा यू नो लिटरली जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो मुझे एक ब्लर सा फील होता है मतलब ब्लरी इफेक्ट ये देता है एज इसमें दिया है कि ये प्राइमर प्लस मैट का काम करेगा. तो हाँ मुझे लगा यू नो जो मेरे ये टी जोन एरिया है वहां पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ब्लर आउट करता है और जो आपके पोर्स होते हैं ना उनको अच्छी तरह से फिल करता है. तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. तो अगर आप Lakme पर्सन है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस फाउंडेशन. Then the next foundation which is a little bit on higher price जो कि है LA Girl का foundation. This is LA Girl Pro Coverage HD Foundation Long Wear Illuminating Foundation. So ये retail करता है 1200 something का I think ये retail करता है. तो जो भी इसकी प्राइसिंग होगी ना वो मैं यहाँ पे दे दूंगी तो आप देख सकते हैं कि कौन किस प्राइस में आपको मिलता है एंड आप उसी के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं. सो दिस फाउंडेशन इज लाइक कि मैं बहुत टाइम से यू नो परचेज करना चाह रही थी कोई फाउंडेशन जो कि फुल कवरेज हो बिकॉज कभी कभी कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं ना जो हटते नहीं हटाते हैं. तो इसलिए उस टाइम पे फुल कवरेज फाउंडेशन होना इस मतलब बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई दिस फाउंडेशन. सो ये फाउंडेशन भी बहुत 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 अच्छा है. ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और यू नो काफी ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी इसकी. तो आप अच्छे से यू नो अपने फेस पे थोड़ा सा अमाउंट भी काफी अच्छे से आपको कवरेज दे देता है. तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आई. मुझे ना बिल्डअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो अगर एक ही बारी में काम हो जा रहा है तो दैट इज माई थिंग. इस टाइम पे यू नो फेस्टिवल के टाइम पे अगर आपको ये चाहिए तो आप डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज अ लवली 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 फाउंडेशन. So then the next foundation and the last foundation but not the least. So this is Maybelline का Super Stay 24 hour full coverage foundation. तो ये ना Maybelline का एक 24 hour वाला जो foundation चला था एक बहुत ज्यादा hype में था तो मैंने भी इसे लिया था. So इसकी जो consistency है ना वो काफी ज्यादा thick है और I think ये 750 something का retail करता है. इसमें भी आपको बहुत सारे shades मिल जाएंगे तो आपकी skin tone के according आपको perfect shade इसमें जरूर मिलेगा. And ये ना thick consistency का है तो आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से कवर करता है और आपकी स्किन को यू नो मैट बनाता है. तो आई फील कि ये वैसे ज्यादातर समर्स के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन विंटर्स में भी अगर आप इसमें यू नो कोई सीरम इंक्लूड करके या फिर अच्छी तरह से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके लगा रहे हैं तो ये फाउंडेशन बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. किसी फेस्टिवल में शादी में वेडिंग वगैरह में किसी फंक्शन में जाने के लिए अगर आप इस फाउंडेशन को यूज करना चाहते हैं तो बहुत 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 अच्छा फाउंडेशन है एंड आपको ये काफी अच्छे प्राइस पे भी मिल जाएगा. मतलब आपको Maybelline पे हमेशा आपको डिस्काउंट मिलेगा तो यू कैन टोटली गो एंड चेक दिस आउट. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये. सो आई लव 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 दिस फाउंडेशन. So yeah, these all are my lovely foundations. मैंने जो मेरे पास foundations थे जो मुझे ऐसा लगा कि affordable भी हैं at the same time आपको बहुत ही अच्छी coverage, बहुत अच्छा long lasting और बहुत अच्छा मतलब यू नो लुक प्रोवाइड करेंगे तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किए थे. एंड इसके अलावा भी मेरे पास और हैं जो शायद इतना यू नो मेरी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहे तो आई डोंट वांट कि वो आप देखो और ले लो बिकॉज कुछ सस्ते हैं कुछ यू नो थोड़ा सा उनका नेम फेम है. तो आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर यू. दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कीजिए मेरी वीडियोज. एंड या मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे होम स्टे सेफ बाय.